अच्छा मैं तुम्हारी तुम्हारे वोटों की तरफ जा रही हूँ। जोरे ने चेंज किया है अपना लुक, इससे एक देखिए शर्ट, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में खवातीन है जो शॉर्ट शर्ट नहीं पहनना कंफर्टेबल समझती, तो उनके लिए ये है कि ये इस तरह की डेनिम की लॉन्ग डेनिम का कपड़ा भी अवेलेबल है। और एक नई शॉप खुली है, मुझे पता चला तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं, मैं दिखाऊंगी भी उसकी चीजें। इमीटो एक नई शॉप है जमजमा पे, वो आपके साइज की डेनिम आपको स्टिच करके देते हैं, उनके पास सारे बिल्कुल ऐसे, उनके पास बटन और ये सारे बाहर से उन्होंने मंगाए हुए, चाइना वगैरह से मंगाते चीजें। और अब जैसे होता है ना कि आपको रेडीमेड आपके साइज की जीन्स नहीं मिल रही है, तो इमीटो के नाम से अगर आप सर्च करेंगे IMITO, तो मुझे किसी ने बताया तो मैंने कहा यार मैं तो शेयर करूंगी लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब लाइक अगर बेल बॉटम आपने बनाना है तो मुझे अगर मैं अमेरिका से लूंगी तो मुझे किसी लंबी औरत के साइज का मिलेगा अपने साइज के हिसाब से। तो पिटीट में लिया करो ना। नहीं पिटीट में फिर साइज नहीं आता ना, वो चक्कर होता है, यहाँ से मुझे फिर नहीं आता, तो इसीलिए मैंने कहा यार बेल बॉटम्स के नीचे मुझे बहुत लंबी हील्स पहननी पड़ती है जीन्स अगर मैं डेनिम लूँ, तो आप अपने साइज की स्टिच करा सकते हैं इमीटो से ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने कहा तुम लोगों से शेयर करूँ। और वैसे भी सबके डिफरेंट साइज हैं। और बताऊँ चीज में, हाँ जब आप जीन्स लेते हैं, जीन्स की खासियत है आपको अगर लंबी लगे ना आप उसको नीचे से काटें, और उसके बाद जैसे वो हम नहीं बचपन में वो काटते थे थोड़े थोड़े से, हाँ। उसके बाद आप उसको धो लें, हाँ उसके नीचे ना ऐसे धागे जैसे ये चार पांच डालकर इस स्टाइल का हो जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं यही करती हूँ। चलो हम जो फिटेड जीन्स है वो तो धो ले, जो बेल बॉटम है अगर वो काटेंगे तो उसकी तो बेल ही कट जाएगा ना, ये मसला होता है। और फिर मुझे इतनी मैं इतनी मुश्किल होती थी कि बेल बॉटम में पहन के हीलें पहन के, तुम्हारे तो हाइट लंबी बहन जो तुम नादिया हुसैन वाली हाइट की मिलती है, बेल बॉटम्स जो है फिटेड जो होती है वो नादिया हुसैन की हाइट हो, अब उतनी लंबी कैसे हो। और वैसे भी ढूंढना इतना पड़ता है, इससे बेहतर है स्टिच भी आपको मिल रही है आराम से। अच्छा ये जो तुमने शूज पहने हुए हैं ये भी क्या डेनिम के शूज हैं? अच्छा ये हाँ डेनिम, दीज आर डेनिम लॉन्ग लॉन्ग बूट्स, हाँ लॉन्ग शूज, हाँ। तो ये बस द रीजन व्हाई आई एम वेयरिंग दिस इज बिकॉज अगर मैं सिर्फ ये शर्ट पहनती और ये पहनती तो ये थोड़ा सिंपल लगता। अच्छा। और बिकॉज इट्स ऑलवेज टू लुक लाइक इट्स ऑलवेज बेटर टू लुक लाइक अ स्टेटमेंट, सो आई वाज थिंकिंग कि मे बी आई कैन वेयर दीज लॉन्ग बूट्स एंड डेनिम एंड डेनिम वाइट विल अच्छा कॉम्बिनेशन। एंड द रीजन आई एम वेयरिंग दिस लॉन्ग शर्ट इज बिकॉज इन यूजुअली आई एम ऑल्सो लाइक व्हेन वर्किंग ड्रामास में तो होता है कि कवर्ड हो तो ज्यादा बेटर, वैसे भी क्योंकि हमारे लोग रिलेट ऐसे करते हैं, थोड़ी कवर होता है, खवातीन नहीं है हमारा पहनावा नहीं है, ये फैशन सोच है ना कि अगर मैं प्ले कर रही हूँ ड्रामा कर रही हूँ तो मेरा कवर अच्छा, मतलब आजकल की बच्चियों के लिए मैं ये बात जरूर कहूंगी कि ये सोच है एक ड्रामा में काम करने वाली बच्ची की सोच है, जबकि आम लोग कहते हैं जी ड्रामे वालों को तो जो दिल चाहे वल्गर है ये वो, हम लोग तो ये भी करते हैं कि ये कवर होना चाहिए, ये देखिए और उसको चाहिए कि कवर होना चाहिए, वो बोल रही है तो ये बहुत अच्छी बात बेटा, वेरी गुड। हाँ तो ये ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी यंग गर्ल्स हैं वो भी जरूरी नहीं है उन्होंने क्रॉप टॉप ही पहननी है तो ही वो फैशन, तो फैशन भी हो गया है और आप कवर्ड भी हो और आप कंफर्टेबल भी और अच्छा भी लग रहा है। अगर वो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइक उनको आदत होती है दुपट्टा लेने, अगर मैं इसमें एक बेल्ट भी हूँ करके इसको लाइक टाइट कर लेती ना वो भी थोड़ा सा अजीब लगता, इट्स लूज इट्स डिपेंड करता है अगर आपका बॉडी पतली है तो आप बेल्ट भी बांध, लेकिन फिर वही बात है ना कि बेल्ट लगा के मैं शायद अपने अब्बा के सामने ना जाता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ तो आई कैन गो राइट, ढीला ढाला है। और बहुत सारी खवातीन है जो लाइक दुपट्टे के बगैर नहीं होती तो वो स्कार्फ लेके बहुत अच्छे से पहन सकती है, वो स्मार्ट स्टाइलिश मॉडर्न लगता है ना, मॉडर्न अच्छा सा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा लुक। अच्छा एक एक जोड़ा देखने के बाद ब्रेक पे जाएंगे फिर वापस। ओके जैसे मैंने ये जीन्स है, इट्स अ लेदर जीन्स, लेदर लेदर पैंट्स है जो अभी मौसम के लिए बड़ी अच्छी है, सो इट्स अ नाइस लेदर जीन्स, आई रियली लाइक इट, हां बहुत अच्छी। और इसके साथ भी वही मसला आता है कि थोड़ा सा ये चीज मैं चाहती हूं कवर्ड हो, तो इसलिए द शर्ट दैट आई हैव वोन इज एटलीस्ट जब ये मैं पहनती हूं तो ये मेरी इतनी कवर्ड होती है, होती है तो वो पूरी जो अच्छी लग रही है, रेड रेड एंड ब्लैक इज अ गुड कॉम्बिनेशन, अच्छा लग रहा है, नाइस कलर। और इसके साथ शूज क्या पहनोगी? अच्छा हील्स मैं इसके साथ ब्लैक ही पहनती, हां लाइक दिस मैं पहन के आती, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें मैं अच्छे से एक लैंग्वेज है सिंपल है और हाँ। साथ में ट्रांसपेरेंट भी आ गया है तो वो मजेदार लग रहा है। जोरे अब आपको एक दोबारा एक नए अटायर में नजर आ रही है, इसने फिटेड पैंट पहनी है जो कि सर्दी से वैसे ही आपको बचाती और साथ इतने मजे के शूज हैं, हाँ।
जिसे पहने लॉन्ग क्या इसको क्या हाँ स्वेटर भी बहुत अच्छा बहुत मजे का है ना नरम नरम ये जो मैंने बाय किया था ना तो आई लाइक दिस फीलिंग अच्छा जो तुमने शूज पहने हुए वो हमें नहीं पाकिस्तान में मिलते इसके अंदर अगर तुम सर्दियों में पहनोगी तो तुम्हें सॉक्स पहनने पड़ेंगे ना हाँ लेकिन वो स्टॉकिंग वाले सॉक्स होते हैं ना गर्म भी ज्यादा होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं ये इन शूज को क्या कहते हैं लॉन्ग बूट्स तो हैं लेकिन इनको यू कैन कॉल देम बूटीज एंड यू कैन कॉल देम लॉन्ग बूटीज लाइक हाँ ये एक नए वो है लड़कियों के लिए के वो मजेदार फैंसी मजेदार लुक देता है और इस अटायर में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं लाइक आई कैन गो फॉर अ मीटिंग आपको कहीं डिनर पे जाना है या आप कोई एक फॉर्मल अगर आपका इवेंट है तो उसमें आई थिंक ज्यादा अच्छा लगेगा या शूज स्टेटमेंट बना बिकॉज इसके साथ अगर मैं कुछ व्हाइट पहन लेती तो वो शायद अच्छा लगता लेकिन इससे ये हो रहा है कि एक डिफरेंट इसके साथ अगर तुम जॉगर्स पहन लेती तो वो क्या डिफरेंट नो दैट जॉगर्स पहनती तो ये लुक किल हो जाती अच्छा। मैं बहुत बबली हो जाती और वेरी स्पोर्टी बट वो स्पोर्टी बबली वो अगर ऐसी लुक करनी है तो इट्स फाइन अदरवाइज नॉर्मली आई लाइक टू लुक मोर क्लासी तो इसलिए नहीं ये पहना ये शूज पहना अच्छा बाकी अपनी कलेक्शन दिखाओ और अच्छा तो इसके अलावा दिस शर्ट इट्स रियली नाइस आई लाइक दिस कार्डिगन ये भी चल जाएगा वाइट बट इसके साथ आई यूजुअली वेयर ईदर दिस लेदर जीन्स लेदर जो अभी तुमने दिखाई थी या फिर ये मेरी एक और जीन्स है इट्स ब्लैक ये एक सेकंड दिखाओ मुझे ये ब्लैक जो है बड़ा उठेगा अच्छा अब देखिए अगर मैं आप उसको आप चाह रही हैं वो इतनी उसको गरम गरम चीजें पहना दे तो कैसी नहीं बाहर जाए इसके अलावा जैसे अब अगर मैं इसको इसके साथ पहनूंगी लेदर के साथ तो ये जैसे अगर मैं किसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ डिनर है या कुछ है या मीटिंग है या समथिंग तो आई विल वेयर विद द लेदर जीन्स लेकिन अगर मैं नॉर्मल फैमिली के साथ हूँ कोई कैजुअल डिनर है देन आई विल वेयर दिस जीन्स बिकॉज़ दिस इज़ आल्सो ब्लैक बट ये लेदर नहीं है सो इट वोंट लुक लाइक दैट फॉर्मल नहीं लगेगा थोड़ी कैजुअल फील आ जाएगी बट विद दिस लेदर जीन्स इट विल लुक रियली रियली फॉर्मल एंड रेडी टू मीट एंड हैव योर मीटिंग एंड लुक लाइक समवन हु नोस किसने क्या बोला है एग्जैक्टली ठीक है जरा कॉन्फिडेंस लेवल आपके कपड़ों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लोग जज कर रहे होते हैं कितनी कॉन्फिडेंट है क्या कैरी किया है क्या तो बात ही सारा कैरी करने का होगा हाँ एग्जैक्टली सही बात अच्छा और बताओ और क्या दिखा रही हूँ इसके अलावा ये तो मैं पहन के आई थी हाँ और ये ईस्टर्न है अच्छा है मैं ये छुपा अच्छा अब अगर तुम ईस्टर्न जो पहनोगी तो इसके ऊपर तुम शॉल लोगी क्या इसके साथ मैंने ये शॉल रखी थी ओह ग्रेट आई वाज लाइक कि ये प्यारी सी शॉल इसके साथ लाइक ये सब प्लेन है फिर एक कलर पॉप हो जाएगा अच्छा सा रेड कलर ये बड़ा अच्छा लगेगा दिस इज रियली नाइस विद दिस एंड यू आर रेडी फॉर अ नाइस शादी और आजकल ऐसी शॉल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है आप राबी सेंटर ये मुझे मेरी मामा ने दी है और मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से ली है लेकिन आजकल बड़ी अच्छी अवेलेबल है वेलवेट की शॉल अभी शादी हुई है तो ये उसमें जो नहीं आता है सामान साथ उसमें से मैंने निकाली तो मैंने कहा चलो बिकॉज मोस्टली कपड़े मुझे मामा ने जो दिए वो मैं कभी नहीं पहनूंगी मतलब वो मुझे नहीं इतने अच्छे लगते हैं देख रही है तुम्हारी उनको पता है ये बात ना वो कहती है कि काश तुम उस तरह सोचो लेकिन वो थोड़ा सा जिस तरह से पहनाने की कोशिश क्योंकि शादी की बात होता है ना अक्सर लड़कियों को होता है कि जरा जरूर कपड़े बहुत भरे हुए उनके कपड़े जो उन्होंने मुझे दिए हैं ना वो इतने भरे हुए लगता है मैं दुल्हन हूँ हर ड्रेस दुल्हन ही तो वो अभी कितने तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं होती लाइक ये जो है ना थोड़ा सा इसके साथ ये दिस इज मोर माय स्टाइल लेकिन मामा का पता है क्या होगा ऊपर से नीचे से नग 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 और भारी भारी स्लीव्स उसमें भी काम 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 और फिर उस पे भाई यही होता है उसके बाद मौका नहीं मिलता उसके बाद बच्चे कहेंगे आप इतनी फैंसी क्यों हैं दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टफ लेकिन हां सही बात है इस वक्त करना चाहिए और बात सुनो तुम लोग अभी से बूढ़े क्यों बन गए वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत जी हाँ सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार .com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप